बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिस इज ईशान अकरम एंड यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और आप लोगों के सामने सक्सेस स्टोरी जो अभी रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर इंग्लिश के रिजल्ट्स आए हैं उसमें स्टोरी नंबर टू आपके सामने पेश करने लगा हूँ और बजाय आपका टाइम ज़ाया करने के मैं डायरेक्टली जाता हूँ कैंडिडेट की तरफ सो यस नाउ थोड़ा सा किन्जा आप अपना तारफ करा दें जो तारफ कराना चाहें जितना कराना चाहें प्लीज यस किनजा प्लीज अस्सलाम वालेकुम सलाम जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स रियली नाइस टू बी इंटरव्यूड टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी सो मेरा नाम किनजा किरण है मैं हाफिजबाद से बिलोंग करती हूं

इसके अलावा आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन भी है जी सर एक्चुअली इंटरेस्टेड थी पॉलिटिकल साइंस में तो मास्टर्स इन इंग्लिश के बाद मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी किया तो और उसके बाद मैं एक एमएड भी हूँ तो वैसे ये है कि चलें एक एडिशनल नॉलेज हो गया लेकिन मैं तो सुनने वालों को या खुद बदाते खुद मेरा अपना व्यू ये है के बजाय एक और मास्टर करने के आपका और ये सवाल मैंने भी पूछा और आपसे भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं मैं असल में ये वीडियोज बना रहा हूँ इसके दो पर्पज पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि मोटिवेशन uh, लोगों को आए और लोगों को पता चले कि एक्चुअली किस तर्स के बंदे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको बेहार इंसान से कुछ ना तो कुछ सीखने को मिलता है बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि जो लोग नहीं हो सके मैं इनशाला उनके भी इंटरव्यूज करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि आप अगर यहाँ तक पहुंचे आपने रिटर्न टेस्ट भी क्लियर किया आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया लेकिन नहीं हो सके तो आपके नजदीक उस फेलियर की क्या वजह हो सकती है सो so, रिसर्च के हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस है नहीं सर नॉट येट लेकिन इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग ये तो so, uh, रिटर्न टेस्ट के हवाले से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किताबें कौन सी और कहाँ से आपने प्रिपरेशन की ये थोड़ा सा आप डिटेल में बता दें जी सर सर एज फॉर एज द रिटर्न टेस्ट इज कंसर्न तो उसकी मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है आपके साथ ही और मैंने 2020 में भी ये सेशन आपके साथ ज्वाइन किया था उसके बाद 2021 में भी ये सेशन किया और जहां तक बुक्स का सवाल है तो हमने बहुत सी बुक्स को कवर किया था उनमें से कुछ मुझे याद थी इसके अलावा अलावा भी, बुक्स बुक्स भी थे जो आपने प्रोवाइड किए थे अच्छा, मैं हमें ये... मैं सा मुझे ना असल में थोड़ा सा हंसी भी आ जाती है और खुशी भी होती है कि जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक्चुअली तो ये आ, ये था कि इतना ज्यादा सिलेबस होता था कि अभी मैं खुद को फील करता हूँ कि अगर मुझे कोई कहे ना कि ये सिलेबस आपने कल को तैयार करके लाना है तो मेरे अपने लिए मुश्किल हो जाए जो मैं आप लोगों को सिलेबस शेयर किया करता था सो तो जहाँ तक बुक्स की बात है तो मैंने आपसे सवाल कर लिया लेकिन चूंकि पढ़ाई मैंने है आप लोगों को और मुझे भी पता है कि आप लोगों की जो किताबें हमने उस वक्त सेलेक्ट की थी दो के अंदर और बाईस के अंदर वो मार्केट में अवेलेबल जितनी भी किताबें इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के हवाले से मौजूद थी जितनी भी नॉन किताबें कोई भी किताब जो हमारी नज़र से गुजरी वो हमने की इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव जो पोर्शन था यानी हमने सब्जेक्टिवली भी तैयारी की जैसे कि बीआर आर की किताब को हमने दो से तीन या चार दफ़ा शायद हमने फिनिश किया होगा टेस्ट के जरिए और इसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी की पार्ट वन पार्ट टू एम की किताबें थी आपको याद होगा किन्जा खासतौर पर किन्जा आपको याद होगा आपने उनके साथ ज्यादा प्रिपरेशन की थी उस वक्त

जनरल नॉलेज की भी हम एक्जेक्टली एक्जेक्टली exactly, exactly. हमने जीके भी बहुत लंबी चौड़ी प्रिपरेशन की है बल्कि जीके की प्रिपरेशन तो बहुत ही तकलीफ दे थी कि जो वो किताब है क्या नाम है उसका जो एडवांस वाली जिसमें मेरे ख्याल में पता नहीं कितने कुछ साठ 60 70000 एमसीक्यू मेरे ख्याल में आ जाता है तो यह सुनने वालों के लिए शायद यह बहुत ही खौफनाक और हैराननाक बात होगी कि हमने एक एक एम को टेस्ट किया है गूगल से सर्च करके कि ये एम का आंसर ठीक भी है या गलत है और उसके लिए हमने रीचेकिंग के अलग से हमने ग्रुप्स बनाए होते थे सारे जितनी भी हमारी एमसीक्यू की किताबें हैं उनमें इतनी आपको पता है कितनी मिस्टेक्स होती हैं इन किताबों के अंदर और हमने रीचेकिंग के अलग से ग्रुप बनाए हुए थे जी सर और मुझे अभी भी याद है जब असाइन किया जाता था कि हमने उस ग्रुप में वॉलंटरीली हम ऐड थे और उसमें हमें असाइन किया जाता था कि अगर हमारा टेस्ट इतना है तो इतने एम ये बंदा रीचेक करेगा इतने एम

मेड और ये सभा होंगी मेरे ख्याल में आई थिंक सभा को ये वाला मेहनत नहीं करनी पड़ी उसकी रीजन ये है कि हमने ऑलरेडी किताबों को बिल्कुल सेट कर दिया था जितनी भी उसकी करेक्शन थी वो हमने कर दी थी और ये भी बता दूं सारे सुनने वालों को कि किन्जा ने हमारा 2020 के अंदर भी रिटर्न टेस्ट क्लियर किया था और इंटरव्यू भी उन्होंने क्लियर किया था लेकिन रेकमेंड नहीं हो सकी थी और उस वक्त तो हमारी सात फीमेल और तीन मेल जो थे Uh, साथ हमारे ग्रुप की जिन्होंने सोलह हमारे साथ तैयारी की थी उस वक्त टेस्ट क्लियर किया था एनी हाउ फॉर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकी आप दो साल हमारे साथ प्रिपरेशन करती रही हैं इससे पहले भी आप करती रही नहीं सर बेसिकली मैंने प्रिपरेशन 2020 में ही स्टार्ट की थी लेकिन ये है है

कि मेरे तो फलसफा ही यही है कि दो तीन महीने की प्रपेशन से आप अगर ये कोई भी सुन रहा है और वो ये समझता है कि जब एडवर्टीजमेंट आएगी और फॉरन अकेडमिया ज्वाइन करके प्रपेशन कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं होती तो ये जो किन्जा है अगर ये जून 2020 में हमने सेशन स्टार्ट किया था तो आप शायद जुलाई अगस्त में आई होंगी या जून में आई होंगी तो उससे लेकर आपकी मैंने जान कोई नहीं छोड़ी और आप लोगों ने मेरी कोई नहीं जान छोड़ी तो मतलब लॉन्ग टर्म प्रपेशन में हम किसी न किसी बहाने में आते ही रहे हैं एनी आगे बढ़ते हैं सो so, अगर आप से मैं पूछना चाहूं अगर आपकी स्ट्रगल पे ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस स्ट्रगल से आपने ये तो आपका शेड्यूल आप कैसे मैनेज करती रही हैं आपका अपना डेली शेड्यूल सर अगर मैं स्टडी की बात करूं तो मैंने इसके साथ साथ, साथ जॉब जो है वो भी कंटिन्यू की मैं एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एक टीचर थी तो वहाँ पे भी मेरी काफ़ी टफ रूटीन थी और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि एट टू फोर मुझे स्कूल को टाइम देना होता था लेकिन उसके बाद आके मेरा सारा टाइम स्टडीज के लिए ही होता था तो हम ऑनवर्ड टू टू अगर टेस्ट रात रात के के बजे बजे है है तो तक मैंने 4 10 वो मेरी स्टडी इसके अलावा आपकी एक बात ने मुझे इंस्पायर किया था कि मैंने ये कहा था सर मेरा एक दो घंटा जो ना वो सफर में गुजर जाते है मेरा स्कूल काफी दूर है तो आपने कहा था कि एक घंटे के सफर में तो आप ढेरों ढेर एम कर सकते हैं मैंने उस चीज को अप्लाई किया और मैं सफर में आते जाते जो है ना उनको याद किया करती थी और ये वो चीज़ थी जिसने मेरी तरफ देख के मेरी बहुत सी वो इंस्पायर हुई कि अगर किन्जा ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती और मोस्टली ऐसा होता था कि मैं उस एक घंटे को भी यूटिलाइज करती थी अगर स्कूल में कोई फ्री टाइम मिल गया उसमें बुक्स मेरे पास हर वक्त मौजूद होती थी इन दो सालों में मुझे नहीं लगता कि किसी भी शख्स ने कभी भी मुझे बुक के बगैर देखा होगा मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ बुक मेरे साथ ही है तो बेशक मुझे जहाँ पे भी टाइम मिला है मैंने पढ़ा है तो जो सुन आ, रहे हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त तो यूट्यूब पर साफ लोग ये सुन रहे हैं तो भाई आप लोग अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं और आप ये समझते हैं जो मैं हमेशा हर जगह पे हर शख्स से अकेले में प्राइवेट मैसेज ओहो मैंने इतने वॉइस नोट दुनिया को किए हुए हैं समझाने के लिए इतने वॉइस नोट कि मैं सैकड़ों नहीं हजारों हो सकता है लाख तक तादाद पहुंच चुकी हो जो मैंने पर्सनल लोगों को मैसेजेस कर करके कर, उनको मोटिवेट कर 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 कितने लोग होंगे जो छोड़ना चाहते होंगे और ये किन्जा भी है तो मैं इसको ये भी ये भी बताएगी कि मैंने तो भाई इन लोगों को खींच खींच के क्लास में लेकर आता था सो एनी हाउ ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जो जिस हालत में भी आप हैं आप ट्रेवल कर रहे हैं आप किचन में हैं आप किसी के साथ बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ अच्छा साथ रख लें हो सकता है मेहमान के अंदर इतनी थोड़ी सी ओ, ओ, हो हिस, उसके अंदर की यार बंदी पड़ रही है तो मैं इसका थोड़ा टाइम लू किताब आपके साथ हर वक्त मौजूद होनी चाहिए एनी हाउ आगे बढ़ते हैं हम तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो खास आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनल ईजाद हैं और आप को लगता है कि वो हमारी क्लास के अलावा आपने की तो वो हमसे शेयर करें बेसिकली तो मैंने वही काम किया जो क्लास में करवाया गया लेकिन जा... का टिप्स एंड ट्रिक्स का ताल्लुक है तो उसमें मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब तक किसी चीज़ को इन डेप्थ स्टडी उसकी नहीं कर लेती थी जब तक उसके आइडियाज मैं कंप्लीह नहीं कर लेती थी वो चीज़ वेग रहती थी मेरे माइंड में और जो चीज़ मेरे माइंड में वेग रहती थी मैं उसको याद नहीं कर सकती थी तो इसके लिए मैं ये करती थी कि अगर कोई भी कंसेप्ट मेरे सामने आया है, तो मैं उसको गूगल करती उसके बारे में कंप्लीट उसका उसको देखती लट्स अगर मेरे सामने ये एम ये आ गया है कि हु वॉज द फादर ऑफ

MCQ है और उसके चार ऑप्शन हैं और मुझे चारों का नहीं पता तो मैं चारों को ही गूगल करती थी और एक एम सी क्यू करते हुए ये बहुत ही कमाल आपने वैसे ट्रिक्स और मुझे ये भी याद आ रहा है कि हम लोगों ने आई एम नॉट श्योर कि वो आपने सेशन अटेंड किया या नहीं किया अगर किया तो मुझे बताइएगा कि हमने बकायदा तौर ट्रेनिंग आपको पता है कि ऐप के जरिए हम सबा इसी में शामिल है हमारी जो ऐप जिसके जरिए हम इसके आप सा के हमारे टेस्ट के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो हम फिर बाद में हंसते भी थे यार ये देखो यहाँ पे फंस गया आप, ना, ना, हम, मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिया करता था तो इस पर भी हमने बड़ी मेहनत की हम पीपीएससी की तर्ज पे एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल के अंदर हम उस टेस्ट को करें तो इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिए जी सर मुझे याद है जब स्टार्ट में मैं प्रिपेयर हुई, हुई थी दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट और उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थी मुझे ये लगता था कि मैंने आज सारा प्रिपेयर किया हुआ है और मेरे तो आज हंड्रेड परसेंट मार्क्स होंगे लेकिन उनमें मैं फंसी इस तरह से थी कि आपने स्टेटमेंट चेंज करके ऑप्शन सेम रहने दिए थे और मैं बस जल्दी में मैंने स्टेटमेंट को एस सच नहीं पढ़ा और उसका रिजल्ट यह हुआ मुझे अभी भी याद है आई गॉट एटीन मार्क्स आउट ऑफ थर्टी और जबकि मुझे सारे आते थे और उसके बाद मुझे ये पता चला कि हर टेस्ट के बाद हम में डिस्कस भी किया करते थे हमें ये पता चला कि अक्सर आप यहाँ तो जो ऑप्शन हैं उनमें जहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन है उसके साथ नॉट लगा दिया अगर स्टेटमेंट में नॉट है उसको कर कर दिया स्टेटमेंट चेंज देते ऑप्शन इस तरह से चेंज कर देते थे कि जब तक हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ लेते थे हम उसको अटैम्प्ट करने के exactly. हम सही से अटैम्प्ट कर सकते थे सो exactly. so, इस चीज ने इस चीज ने हमें इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया था कि इसने हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी दिया था पेपर के अंदर भी क्योंकि पीपीएससी में भी मोस्टली बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें ये लगता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है लेकिन जब हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल चेंज होती है तो ये एक ये भी स्ट्रेटेजी थी हमारी ड्यूरिंग द टेस्ट जो बहुत हेल्पफुल थी और जिसने हमें हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर दी थी चीजों को परसीव करने की और उनको जज करने की और एमसीक्यूज है, को समझने की स्पेशली सो थैंक यू आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने यकीनन बताने की जरूरत नहीं है आपने हमारे साथ ही की थी और सभा की तरह हमारी प्रेजेंटेशंस थी तो बताइएगा कि हम प्रिपरेशन जो, जो, की थी वही तो उसके बारे में आपके क्या बल्कि मुझे याद है कि आई थिंक आप हैंड रिटन लिखती थी और आपके पास शायद लैपटॉप तो या इस तरह की भी नहीं थी मुझे इतना कुछ याद आ रहा है so, उस तो सबसे अच्छी बात उसमें जो हुई थी वो ये थी कि आपने हमारे कंफर्ट जोन में आगे हमें प्रेजेंटेशन uh, जो है वो देने का कहा था कि सबसे पहले <coughs> सॉरी आपने ये कहा था कि जो आपके फेवरेट राइटर्स हैं आप उनकी एक लिस्ट मुझे सेंड करें जब हमने वो लिस्ट सेंड की थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमें टास्क असाइन किए गए थे और उनमें ये था कि प्रेजेंटेशन पे फोकस किया गया था और प्रेजेंटेशन के बाद हमारी क्लास में हर बंदा इवेल्यूएट कर रहा होता था और उसमें मुझे याद है कंपल्शन होती थी हर स्टूडेंट के लिए कि आपने जो स्टूडेंट प्रपरेशन दे रहा प्रेजेंटेशन दे रहा है आपने उससे थ्री और फोर क्वेश्चंस मस्ट करने हैं उसका एक तो बेनिफिट ये होता था कि हर बंदा ध्यान से सुन रहा होता था उसके माइंड में ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन जनरेट हो रहे होते थे उसके बाद हमारी करेक्शन की जाती थी जहाँ पे हमें जरूरत होती थी और जो प्रेजेंटेशंस थी उनका सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि हमारी जो लर्निंग थी वो पैसिव नहीं रही वो एक्टिव हो गई उसने हमें इंटरव्यू में इतनी ज्यादा वो हेल्पफुल थी कि बिल्कुल जब हम इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने बैठे हुए थे तो हमें ये नहीं लग रहा था कि शायद ये हमारा फर्स्ट टाइम है क्योंकि हम अबाउट अ मंथ इसी प्रोसीजर से गुजर चुके थे वो डेली हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो ऐसे ही होता था कि जैसे हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बड़ा और उससे हमें खुद को एक्सप्रेस करना आ गया कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं जब हम प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते थे अगर कोई क्वेश्चन होता था तो हम उस, हमने उसको लॉजिकली प्रूव करना होता था तो इस चीज ने हमें इंटरव्यू में इस कदर हेल्प की बिल्कुल एक नॉर्मल एनवायरनमेंट लग रहा था या अच्छा अच्छा जी थोड़ा सा इंटरव्यू के हवाले से बात कर लें मैंने पहले भी बता दिया जो लोग सुन रहे हैं कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के इंटरव्यू में क्या कै, कैसे सवाल किए गए इस पर मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप लोग देख सकेंगे बट यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप जब इंटरव्यू में गए अमूमन लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कैसा माहौल था और आपको क्या किस तरह की फीलिंग्स हुई कैसे अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था तो कैसे था अच्छा और थोड़ा सा कोई शेकी हुआ तो कैसे फिर आपने कंट्रोल किया इस थोड़ी सी बात करते हैं सर ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था और मैं कॉन्फिडेंट थी और मुझे उम्मीद थी कि मेरा इंटरव्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करूंगी और कॉन्फिडेंस वो मैंने आपको जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी इस कदर हो चुकी थी प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के थ्रू और आपके सामने डेली बेसिस पे हो रही थी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ठीक था मुझे बिल्कुल भी कुछ ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था सब कुछ नॉर्मल लग, लग रहा था लेकिन ये है कि एक वो एक चीज होती जरूर है कि यू आर प्रिपेयर यू आर अपियरिंग इन द इंटरव्यू एंड यू आर बिफोर द पैनल इच इज बाई पी लेकिन uh, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी और ये भी नहीं था कि जैसे वो होता है कि आपकी कम्प्लेक्शन हो जाना आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि ट्रायोलॉजी क्या है एंड आई नो कि वो मेरे से ग्रीक लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ईजी था लेकिन मैंने एक्सक्यूज कर लिया लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो भी आंसर किया मेरा बिल्कुल एक्यूरेट था

कि जिसको शौक है और जो जो है ना क्या कहते हैं जुगाड़ू प्रोग्राम नहीं करना चाहता तो इस तरह की डिस्कशन सुन के उसको मोटिवेशन और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तो मैं यहाँ पे एक कॉमेंट करना चाहूँगा किन्जा के मेरी नज़र में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप थ्रू आउट द इंटरव्यू आप कॉन्फिडेंस आपका बहाल रहे और आपके सारे सवालों के जवाब ठीक रहें तो ही आपकी सिलेक्शन आपको अच्छे नंबर मिलेंगे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इंटरव्यू कैसा, कैसा हुआ था मैं अलहमदुल्ला मेरी ट्वेंटी फर्स्ट पोजिशन थी मेरिट में आप दोनों अपने मेरिट्स को मैं आपसे uh, मुझे पता है आप लोगों के मेरिट्स का तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि दवान वो 21st position, तो उसकी फिर uh, किस तरह की प्रिपरेशन uh, हुई होगी तो मेरा ख्याल है कि मेरा इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं या जिन लोगों को मैं जानता हूं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन ड्रॉप हुए लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छे मार्क्स मिले तो ये जो भी सुन रहा है तो ये बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर आपके इंटरव्यू में कुछ मार्क्स का कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी हो जाते हैं तो फिर भी यू कैन परफॉर्म वेल एनी हाउ हम थोड़ा सा लंबा हो रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रगल के हवाले से मैं जरूर आपसे बात करूंगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि आप थोड़ा बहुत पहले हिंट भी दे चुकी हैं आप कहाँ कितना जॉब करती रही कितना ट्रेवल करती रही घर के मामला और मोस्ट प्रोबली आप एक कम्बाइंड फैमिली में रहती हैं वहाँ के इश्यूज तो इन सारी स्ट्रगल को थोड़ा सा डिस्कस करें कितना अरसा इंतजार करना पड़ा फर्स्ट टाइम जब आपका नहीं हो सका तो फिर किस गम से गुजरी तो कैसे कंट्रोल किया इस पर थोड़ा सा मुख्तर आना बयान कर दे सर uh, इस बात को लिखेगा कि जब जब आपके स्टूडेंट्स के हौसले थोड़ा पस्त होने लगे हैं तो आपने हमेशा अपने अल्फाज से उनके हौसले बुलंद किए हैं सो फर्स्ट टाइम जो हुआ था और उसके बाद भी जब भी कभी ऐसा मौका आया है कि हमें लगा है यहाँ हमारे हौसले थोड़े पस्त हुए हैं तो आपने कोर्स हमें थ्रू योर वर्ड्स ना सिर्फ अपने वर्ड्स बल्कि आपकी sport, तो थ्रू आउट हमारे साथ थी तो आपने मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने हमारे हौसले जो है वो ब्लंद रखे हैं आपने ये बताया है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और जैसे कि कुरान में भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है तो बस ये चीज़ जहन में थी कि अगर मुश्किल बढ़ रही हैं तो समझें कि कामयाबी नज़दीक है और स्ट्रगल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि समाइम्स ऐसा भी हो जाता था कि मुझे डेली थ्री आवर्स भी ट्रेवल करना पड़ता था और उसके बाद एक बहुत बिजी रूटीन थी लेकिन उस रूटीन में मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया टू बी ऑनेस्ट मैंने फंक्शन छोड़े हैं और घर में अक्सर ऐसा होता था कि अगर कोई मेहमान आ गया है तो रस्मी सलाम्द वाली उसके साथ उसको सर्व किया बुक उठाई और स्टिल अभी जब मेरा रिजल्ट आया है, तो मेरी कजन ये कह रही थी शुक्र है अब हमें बात करने का मौका मिलेगा अब हमारी बच्ची फ्री होगी क्योंकि इससे पहले तो यही होता था कि हम आए इसने सलाम दुआ किया और बुक उठाई और अपने रूम में अच्छा तो, प्लीज सॉरी मैं से मुण आपको जहाँ पे आपकी बात को मैं काट रहा हूँ आप अपनी बात को जरूर कंटिन्यू रखिएगा सबक हमारे साथ है मैं आप दोनों से एक दफा पूछना चाहूंगा पहले आपसे क्योंकि आपका माइक ऑन है

अब बस ये था स्टेटस वगैरह नहीं आ, मतलब मैंने हर चीज को सेक्रीफाइस नहीं करूंगी मैंने अपनी मर्जी से एक स्पिरिट थी तो मैंने पढ़ा है ये टिकटॉक मैंने ये हो गया स्टेटस वगैरह हो गए नहीं बिल्कुल भी नहीं इवन के कुछ ऐसे मौके भी आते थे कि दिल करता था कि अगर जो इम्पोर्टेंट एप्स हैं उनको रहने दूँ का सारी एप्स अन बल्कि मैंने कर दी थी अन है इवन के दोस्तों से ये भी कहे

कि uh, सबा आप क्या क्या, क्या कितनी एक एक्टिव सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस टिकटॉक वीडियोस बनाना दाए है वैसे मैंने तो आप लोगों में से किसी की शक्ल भी नहीं देखी यूट्यूब आने से दो साल के अंदर तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ जो है ये सारी वीडियोस बनाते हैं या कोई वाकई बनाते थे या फिर आपने इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया था सबा सर जब प्रपेशन की थी <laughs> उस दौरान में तो मतलब ये काम सारे करने पड़े थे Literally, मतलब स्टेटस लेके भी वाली चीजें जो थी थी। थी वो बहुत बहुत रिड्यूस हो गई मैं मैं ये नहीं कहती कि कि मेरी जिंदगी से सोशल मीडिया चला गया था, लेकिन मैंने मैंने उसको किया। किया जब मैंने काम किया, तो मुझे उसका बेनिफिट फील हुआ मैं फोकस ज्यादा कर पाई दो तीन दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छी जस्ट लाइक अ ड्रीम अभी तक यकीन नहीं आ रहा वाकई में ये हकीकत है या ये हावे सर तो व्हाट आर यू फ्यूचर प्लान्स आर यू गोना स्टडी मोर और लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू एस ए टोल्ड यू सर आह दैट इट्स लाइक एन एडिक्शन तो अब मैंने पीएमएस अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद आई एम थिंकिंग फॉर एम फिल फॉर द स्टडीज इन चाइना लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स आपका एस्पिरेंट्स जो लोग सुन रहे हैं तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या रोमाना और इरम की तरह जिन लोगों ने बेचारे ने दो दो दफा रिटर्न और इंटरव्यू पास करके फिर नहीं हो सका ऐसे सब लोगों के लिए आपकी क्या जो है वो मैसेज होगा सर सबसे पहले तो रुमाना और इरम उनके लिए मैं ये मैसेज जरूर करूंगी कि अगर हम खुदा से फूल मांगे और हमें फूल ना मिले ना तो आप ये बात इस बात का पर यकीन रखें कि यकीनन अल्लाह ताला ने आपके लिए गुलदस्ता रखा होगा और ये चीज वो है जो आप देखेंगे कि बहुत से लोग लोग जो है ना उनको ये चीज मिलती भी है तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हर मुश्किल के बाद आसानी और अल्लाह ताला जितना ज्यादा अपने बंदे को आजमाता है है। उसने उसके लिए इतना ही अच्छा कुछ ना कुछ रखा होता है। so, उसी मेहनत के साथ और उसी कंसिस्टेंट uh, एफर्ट के साथ वो कंटिन्यू करें और मेरी विश है कि मैं इन दोनों को अपने से ज्यादा कामयाब देखू और यही बात करूंगी कि जैसा कि आप सब ने लिखा कि कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो दूसरे प्लान आए हों बिल्कुल आम से हम लोग हैं एवरेज डिग्रीज हैं हमारी दुनिया जिंदगी के दूसरे मैटर्स को भी हम साथ लेके चले हैं लेकिन जो एक चीज मुझे लगती है तो जो इंसान को कामयाब करती है वो उसका सबसे पहली चीज फर्म डिटर्मिनेशन दूसरा कंसिस्टेंट हार्डवर्क और तीसरा सेल्फ बिलीव होता है और इन तीनों के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है एक अच्छा टीचर एक अच्छा गाइड जो आपको गाइड करे सो so, कोई भी ऐसा शख्स जो अपना माइंड बना लेता है फिर उसके माइंड में जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए वो हिम्मत नहीं हारता और उसके बाद वो खुद पे बिलीव रखता है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को जरूर कामयाबी से हम करना चाहते हैं एंड फाइनली या या श्योर फाइनली फाइनली वही बात जो मैंने उस दिन भी आपसे कही थी कि सबसे ज्यादा जरूरी मैंने ये कहा था कि इन तीनों चीजों के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है एक अच्छा टीचर एक अच्छा गाइड जो आपको गाइड करे सही रस्ते पर लाए सो मुझे मेरी जिंदगी में जो सबसे अच्छा गाइड मिला है जिसकी वजह से मैं आज कामयाब हूँ वो आप हैं मैं इस फॉरम पे भी कहना चाहूंगी सर थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ और हमेशा सपोर्ट करने के लिए और ये हौसला दिलाने के लिए और ये कहने के लिए यू पीपल कैन डू दिस एंड फाइनली वी हैव डन अब ये है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और आप माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी प्रोफेसर बनेंगी बाहर की दुनिया में जाएंगी तो जब कभी भूलने लगेंगी तो मैंने ये लिंक शेयर कर देना है सब और आपको और और भी लोगों को और आप लोग वीडियो देख के हो सकता है आपको याद आ जाए कि मैं भी आप लोगों के साथ रहा हूँ वेरी काइंड ऑफ यू बोथ ऑफ यू Uh see you again thank or you after we should meeting. Yeah. Thank you very much. Uh...